सुरल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृस्तृणेशं शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। उपरोक्त श्लोक अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग में से सोमनाथ को प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इस नजरिए से सोमनाथ संस्कृति का आध्यात्म केंद्र है, हम सबकी श्रद्धा का केंद्र है। सोमनाथ कोई एक शहर या शहर में स्थित शिवालय नहीं है, वह समग्र भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास को, संस्कृति को, विविध विचारधाराओं के अनेक प्रवाहों को, भारतवर्ष के भव्याति भव्य भूतकाल के अनेक रहस्यों को संग्रह कर स्वयं प्रकाशित ज्योतिर्मय केंद्र है। प्रभु सोमनाथ का दर्शन करते ही हम सबको सनातन संस्कृति की दिव्यता और भव्य विरासत का एहसास होता है। सोमनाथ महादेव के इस दिव्य और पवित्र स्थल पर आते ही देश का इतिहास ही नहीं बल्कि भारत के खगोल शास्त्र, आध्यात्म की विचारधारा, देश में विकसित हुए कई संप्रदाय, देश पर किए गए आक्रमण और उसके बाद फिनिक्स पंखी की तरह राख में से नवनिर्माण हुई अद्भुत संस्कृति की क्षमता का परिचय होता है। इसका गर्व भी महसूस कर सकते हैं। सोमनाथ महादेव का उल्लेख महाभारत के वन पर्व, शल्य पर्व, मौसल पर्व, स्कंद पुराण प्रभास खंड, वायु पुराण, कुर्म पुराण, गरुड़ पुराण, शिव महापुराण, लिंग पुराण, भागवत पुराण, देवी भागवत, ज्ञान संहिता, पाणिनीय अष्टाध्यायी, वराहमिहिर बृहत संहिता इत्यादि अनेक पुरातन ग्रंथ में शामिल है। सोमनाथ का उल्लेख ऋग्वेद के खिल सूक्त में भी किया गया है, जो कुछ इस प्रकार है। यत्र गंगा च यमुना च यत्र प्राची सरस्वती, यत्र सोमेश्वरो देवस्तत्र मामृतकृधि इंद्रायेन्द्रो परिश्रय। अर्थात भारत देश में अमरत्व की प्राप्ति के लिए चार स्थान अंकित किए गए हैं, गंगा, यमुना, प्राची, सरस्वती, और जहां सोमेश्वर विराजमान है वह अमरत्व प्राप्त करने की जगह मानी जाती है। हिंदू शास्त्रों में ऋग्वेद को अति प्राचीन वेद माना जाता है, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि ऋग्वेद काल में सोमनाथ शिवालय का अस्तित्व था, जिसको सोमेश्वर देव के नाम से जाना जाता था। स्कंद पुराण के अनुसार सोमनाथ महादेव की स्थापना त्रेता युग में हुई होगी। श्रीमद् आद्य जगतगुरु शंकराचार्य वैदिक शोध संस्थान के अध्यक्ष स्वामी श्री ज्ञानानंद सरस्वती जी के मुताबिक स्कंद पुराण के प्रभास खंड का संदर्भ लिया जाए तो सोमनाथ महादेव का प्रथम मंदिर 7,99,25,105 वर्ष पूर्व हुआ होगा। भगवान शिव के साथ दो शब्द जुड़े हुए हैं, सोम और ईश्वर। सोमेश्वर और सोमनाथ दोनों शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं। सोमेश्वर शब्द का उल्लेख वेदों और पुराणों में भी किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि वेद का निर्माण 10,000 साल पहले हुआ था। 10,000 वर्ष पहला ना ग्रंथों से
जिसमें सोमनाथ का उल्लेख किया गया है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि सोमनाथ बहुत प्राचीन तीर्थ है। सोम तीर्थ के नाम से भी सोमनाथ पुराणों में जाना जाता है। इसके अलावा सरस्वती तीर्थ भी कहा गया है। सोमनाथ का समुद्र तीर्थ भी कहा गया है। विभिन्न नामों से चर्चित हुआ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पुराना नहीं, पर युगो युगो से जीवित माना गया है। एम जुदा जुदा तीर्थों नामे प्रसिद्ध स्थान घणु प्राचीन छे, ए तो चौक्स छे। प्रभास क्षेत्र और सोमनाथ देवों के कार्य की सिद्धि हेतु खुद के शरीर से औषधि बन सके, उस उद्देश्य से पार्थिव शरीर का समर्पण करने वाले साधु दधीची का यह आश्रम था। भगवान परशुराम ने यहां तप किया था। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने इस तीर्थ क्षेत्र में अपने पार्थिव शरीर का त्याग किया था। पांडव इस पवित्र तीर्थ की यात्रा करने के लिए आए थे। महाकवि कालिदास के विधान अनुसार महर्षि कर्ण व उनकी पालक पुत्री शकुंतला के प्रतिकूल देवना शमन हेतु यहां आए थे। इस क्षेत्र को प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें प्रभास का अर्थ होता है प्रकाशित, उज्ज्वल। यह प्रकाश के स्रोत को सूर्य माना गया है, चंद्र को भी माना गया है, जो ज्ञान के प्रकाश को अंकित करते हैं। शिव का एक नाम अग्नि है, इसलिए इस स्थान को अग्नि तीर्थ भी माना गया है। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए इस क्षेत्र को भास्कर क्षेत्र भी कहा गया है। प्रभास तीर्थ में पांच सकार का समन्वय है। सकार यानी स से शुरू होने वाले शब्द। सरस्वती समुद्रश्च सोमो सोम ग्रहस्थता दर्शन सोमनाथस्य सकाराः पंच दुर्लभाः। यहां सरस्वती, समुद्र सोम, सोम यानी कि धर्मपत्नी उमा के साथ शिव और सोमनाथ का दर्शन होता है। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने अपनी पत्नी जानकी के साथ यहां स्नान किया था, इसलिए इस तीर्थ को राम तीर्थ भी माना जाता है, जिसका उल्लेख वायु पुराण में है। रामो देव्या सहस्त्रातो राम तीर्थ ततः स्मृतम। अहियां प्रातः 6 बजे मंदिर खुले जे। सुबह 7 बजे मंदिर खुल जाता है और रात को 11 बजे मंदिर बंद होता है। 6:15 को शिवजी का प्रातः पूजन किया जाता है। 7 बजे प्रातः आरती की जाती है। दोपहर को 11:15 पर पूजा फिर से शुरू होती है। 12 बजे मध्याह्न आरती की जाती है। 7 बजे संध्या आरती, उनसे पहले शिव जी का श्रृंगार किया जाता है। धार्मिक त्योहार और तिथि के आधार पर अलग अलग श्रृंगार शिव जी के किए जाते हैं। आरती चाले छे अने रात्रि ना 10 वाग्ये मंदिर बंद थाय छे। वार त्योहारों में अलग अलग विशेष श्रृंगार करवामां आवे छे। दारू कैफनी बंदी एटले लाखों लोगों ने नवजीवन की बख्शीश छे। प्रजा शरीर में नैतिक तेमज आर्थिक बळनो संचार छे। राज्यनी उपज वधारवा खातर पर राज्यनु अनुकरण करी शराबनो व्यापार अने प्रचार करवो ए महापाप छे। जी हाँ, दारू अंगेना गुनामा 10 वर्षनी कैद अने रुपया 5,00,000 दंड भरवो पड़शे। लठ्ठाना सेवनथी मृत्यु थाय तो जवाबदार तमामने मृत्युदंडी सजा थशे। नशा मुक्त गुजरात, प्रगतिशील गुजरात। કેટલાનું નુકસાન થયું, કેટલા લોકોનું નુકસાન થયું, બધાની ડિટેલ્સ કાલ સાંજ સુધીમાં રેડી કરો। કોઈની સેફ્ટી પિન પણ તૂટી હોય ને તો એની પણ ડિટેલ્સ નીકાળો। શ્રી સોમનાથ મંદિર કૈલાશ મહામેરુ પ્રસાદ ભારત રત્ન અખંડ ભારત શિલ્પી લોહ પુરુષ શ્રી વલ્લભભાઈ પટેલને પ્રભાસ પાટણ કે સમુદ્ર તટ પર सोमनाथ मंदिर के अवशेषों के सानिध्य में तारीख 13 नवंबर 1949 के दिन सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की प्रतिज्ञा ली थी। श्री सोमनाथ के नवनिर्माण करने हेतु मिली संकल्प सभा में उन्होंने कहा था, ऑन दिस ऑस्पिशियस डे ऑफ द न्यू ईयर वी हैव डिसाइडेड दैट सोमनाथ शुड बी रिकंस्ट्रक्टेड। यू पीपल ऑफ सौराष्ट्र
should do your best. This is a holy task in which all should participate. इस समग्र आयोजन की जिम्मेदारी श्री कन्हैयालाल मुंशी को दी गई थी। वास्तुशास्त्र और शिव प्रसाद निर्माण कला के जानकार अनुभवी विश्वकर्मा श्री प्रभाष शंकर ओगड़भाई सोमपुरा को शिल्पकार के तौर पर नियुक्त किया गया था, जिसने भावी सोमनाथ मंदिर रेखाचित्र तैयार किए और उस भूमि का आंकलन किया। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हरी झंडी दिखाई। नवनिर्मित सोमनाथ मंदिर को कैलाश महामेरु प्रसाद नाम दिया गया। यह नया मंदिर पुराने मंदिर के स्थान पर ही बनाया गया है। भारतीय संस्कृति में मंदिर स्थापत्य के शास्त्र को विज्ञान और कला का स्तर दिया गया है और उसका धर्म के साथ समन्वय किया गया है। भगवान सोमनाथ का स्थान ज्योतिर्लिंग का है, जो हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। इसी हेतु मूल स्थान पर ही मंदिर का नवनिर्माण किया गया। कैलाश महामेरु प्रसाद का निर्माण तीन चरण में किया गया है। प्रथम चरण में जगती और गर्भगृह, दूसरे चरण में शिखर और अग्रभाग का सभा मंडप, अंतिम चरण में नृत्य मंडप का निर्माण किया गया है। मंदिर के सुवर्ण जड़ित गर्भगृह में शिव प्रसाद निर्माण का अधिकृत ग्रंथ दीपारणव में उल्लेखित सर्वलिंग में से सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग स्थापित किया गया है। यह शिवलिंग में श्वेत रेखा से भगवान शिव के मस्तक की आकृति स्पष्ट दिखाई देती है। आद्य ज्योतिर्लिंग के स्थान पर ज्योतिर्लिंग की ही पूजा की जाती है। शिवलिंग के पीछे की दीवार पर माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित की गई है। इस प्रतिमा के दाईं ओर ब्रह्मा जी और बाईं ओर भगवान विष्णु की प्रतिमा है। वहीं उत्तर की ओर गंगा मैया और दक्षिण की ओर महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा है, जबकि पूर्व में सूर्य नारायण की प्रतिमा लगी है। गर्भगृह की 2 मंजिल और शिखर की 7 मंजिलें मिलकर 9 मंजिला मंदिर तैयार किया गया है। गर्भगृह के बाद अंतराल आता है, उसके बाद सभा मंडप में बाईं ओर त्रिपुर सुंदरी की प्रतिमा और दाईं ओर माता अंबाजी की प्प्रतिमा है। बार ज्योतिर्लिंगो एवी रीते प्रकट थया छे। पूरे भारत में शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंग है, जिनमें सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग है। शिवजी के इस लिंग स्वरूप को ज्योति के रूप में देखा जाता है। इस आधार पर मंदिर में एक ज्योत जलाई जाती है, जिसे अखंड ज्योति कहते हैं। सन 1989 में यह अखंड दीप ज्योति का प्रागट्य मैंने किया था, जो आज दिन तक कायम है और भविष्य में भी सदा ही रहेगा। लोग इस ज्योति स्वरूप का दर्शन करने के लिए आते हैं और सोमनाथ से कई तीर्थ स्थानों के लिए अखंड ज्योत रवाना की गई है, जो आज भी उसी मंदिर में कायम है। हर महीने की 13 तिथि को शिवरात्रि कहा जाता है और महा महीने की 13 को महाशिवरात्रि त्योहार मनाया जाता है। संपूर्ण वर्ष में हर महीने की शिवरात्रि के दिन इस ज्योति की मंदिर के अंदर रात को 10 बजे के बाद विशेष पूजा होती है, जो सोमनाथ मंदिर पूजा का एक अहम हिस्सा है। 12 महीना की शिवरात्रि है, रात ना 10 बजे थी त्यां मंदिर नी अंदर ज्योति नी पूजा करवामां आवे छे। पद्धतिसर जेम भगवान नी पूजा थाय एम ज्योति नी पूजा थाय छे। सभा मंडप के पूर्व द्वार से प्रवेशते हुए बाईं ओर गणपति की उत्तराभिमुख प्रतिमा और दाईं ओर हनुमान जी की दक्षिणाभिमुख प्रतिमा स्थापित है। यह दोनों प्रतिमा के बीच में नंदी महाराज की संगमरमर की प्रतिमा सभा मंडप में स्थापित की गई है। उसके आगे कुर्म की छोटी सी प्रतिमा भी है। आ मंदिर मा आपणे सोमनाथ मंदिर में प्रवेश करते ही गणेश जी का मंदिर प्राचीन है, साथ में हनुमान जी और शहीद हमीर जी का मंदिर है। सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए हजारों शिव भक्तों और हिंदुओं ने अपने प्राण त्याग दिए, जिनकी स्मृति आज भी मंदिर परिसर में आते ही तरोताजा हो जाती है। थयेला आक्रमण सामे पोतानो
જાન ન્યોછાવર કરીને કુરબાની વહોરી લીધી છે એવા અનેક લોકોની સ્મૃતિને આપણે વંદન કરી શકીએ અને તેમનાથી પ્રેરણા લઈ શકીએ કે અતિ દુષ્કર સંજોગોમાં પણ તેમણે ધર્મ માટે બધું જ કરી છૂટીને પોતાના પ્રાણની આહુતિ આપી હતી. આ મંદિરમાં શાસ્ત્રો ઓર ધાર્મિક વિધિ કે અનુસાર શિવાલય મેં સમયાંતર પર પૂજા વિધિ ઓર વિશેષ અભિષેક હોતા હૈ જિસમે ધ્વજારોહણ બિલ્વપત્ર અભિષેક લઘુરુદ્ર મહારુદ્ર ઓર શિવજી કા હવન વિશેષતમ કિયા જાતા હૈ. રુદ્ર યજ્ઞ જેવી વિધિઓ પણ અત્રે શાસ્ત્રોક્ત રીતે કરવામાં આવે છે. નૃત્ય મંડપ મેં કુલ 3 મંઝિલે હૈ ઓર 72 સ્તંભ હૈ. नृत्य मंडप और सभा मंडप के 3 मंजिलों के बाहरी हिस्से में शिल्पाकृति अंकित की गई है जिसमें शिव के संलग्न प्रसंग जैसे कि शिव तांडव, शिव विवाह और शिव परिवार इत्यादि शिव शिल्प का रेखांकन किया गया है. पूरे शिवालय में 72 स्तंभ है. सभा मंडप के बीच के अंतराल में 6 स्तंभ, सभा मंडप में 72 स्तंभ और गर्भगृह के आसपास प्रदक्षिणा पथ पर 36 स्तंभ, ऐसे कुल मिलाकर 186 स्तंभ हैं. नवनिर्मित मंदिर का शिल्पी कार्य जाने माने सोमपुरा कारीगरों ने और उनके मार्गदर्शन में किया गया है. भगवान सोमनाथ के मंदिर का ऐसा कैलाश महामेरु प्रसाद पिछले 800 वर्ष में पहली बार निर्माण किया गया है जो मंदिर के विशेषता को और बढ़ाता है. आज प्राचीन सोमनाथ मंदिर थी. सोमनाथ में जब भी क्षेत्र का नाम लिया जाता है तब उनके भौगोलिक कद का क्यास लगाया जाता है. यह क्षेत्र क्या है? सोमनाथ की उत्तर दिशा में भद्रावती नदी जो जैतपुर के पास है उनका 126 किलोमीटर, सोमनाथ के पश्चिम में घेद मधुपुर 87 किलोमीटर, पूर्व दिशा में तुलसीश्याम मंदिर जो 111 किलोमीटर है और दक्षिण में दक्षिण ध्रुव तक प्रभा क्षेत्र का भौगोलिक कद किया गया है. यूं तो पहले भगवान श्री कृष्ण कोटि यादवों को लेकर सोमनाथ क्षेत्र में आए थे. उस समय से आज तक यह पूरे बड़े विस्तार को प्रभास क्षेत्र माना गया है. क्षेत्रफल ये प्रमाण नु पुराण ना आधार ऊपर आ क्षेत्रफल केवा मा आयु छे એટલે આ પ્રભાસ ક્ષેત્ર નું ક્ષેત્રફળ આ પ્રમાણે છે. आइए अब देखते हैं कुछ पौराणिक कथाओं में सोमनाथ. ऐसा माना जा रहा है कि चंद्र अपनी 27 पत्नियों यानी कि 27 नक्षत्रों में से एक पत्नी यानी कि रोहिणी नक्षत्र के साथ ज्यादा प्यार में थे, इसलिए बाकी बहनों ने अपने पिता दक्ष को इस बात की फरियाद की. दक्ष ने चंद्रमा को शाप दिया कि उसका क्षय हो जाएगा. इस शाप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने शिव उपासना की. शिव जी प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया कि 15 दिनों तक क्षय और 15 दिनों तक उसकी वृद्धि होगी, यानी पूनम से अमावस्या तक क्षय और अमावस्या से पूनम तक विकास. सूर्य की पौराणिक कहानी. दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य के तेज के कारण उनकी पत्नी संज्ञा उससे दूर चली गई और उसके स्थान पे उसकी परछाई को छोड़ गई. सूर्य देव ने सोचा कि उसके अति तेज के कारण उसकी पत्नी उसे छोड़ के चली गई तो दूसरे लोगों की क्या स्थिति होती होगी. उस विचार के साथ ही सूर्यदेव ने अपनी 12 कलाओं को अपने से दूर कर दिया और पृथ्वी के लिए सह्य बने. ये इसलिए किया ताकि पृथ्वी पर जीवन आसान बने. सूर्य और उसकी पत्नी छाया से हुई दो पुत्री सूर्य तनया तापी और भद्रा यानी कि भादर पृथ्वी पर जीव सृष्टि के लिए आशीर्वाद बनी जो सर्वविदित है. सरस्वती और वडवालन की कहानी. सरस्वती जब शिव जी की आज्ञा लेकर वडवालन का घड़ा लेकर सागर में डालने जा रहे थे तब
कृतस्मर नामक राक्षस ने उनके साथ विवाह करने की मांग की। कितना समझाने के बावजूद भी कृतस्मर समझा नहीं, इसलिए सरस्वती के हाथ में जो घड़ा था वो उसने कृतस्मर को थोड़ी देर के लिए पकड़ने के लिए दे दिया। वो घड़ा पकड़ने के साथ ही कृतस्मर जलकर भस्म हो गया। तक्षक और धन्वंतरी कहानी। एक पौराणिक कथा के अनुसार परीक्षित महाराज को मारने के लिए तक्षक नामक नाग जा रहा था। तब इस क्षेत्र में धन्वंतरी आश्रम में रहने वाले एक शिष्य से वो मिला। तक्षक ने धन्वंतरी के शिष्य से कहा कि उसके ही दंश के कारण परीक्षित की मृत्यु अवश्य होगी, क्योंकि तक्षक के जहर का कोई उपचार नहीं है। धन्वंतरी के शिष्य ने ऐसा कहा कि विश्व में किसी भी जहर को वो दूर कर सकते हैं। यह बात साबित करने के लिए उसने एक वट वृक्ष को दंश मारने के लिए तक्षक को कहा। तक्षक के दंश के कारण वट वृक्ष सूख गया। उसके बाद धन्वंतरी के शिष्य ने उसमें उसके औषधों का सिंचन किया और वह वृक्ष फिर से नव पल्लवित हुआ। यहाँ पर धन्वंतरी आश्रम ये दर्शाता है कि प्राचीन काल में आयुर्वेद का अध्ययन किया गया होगा। कर्णव ऋषि की सोमनाथ यात्रा। कालिदास का रचित अभिज्ञान शकुंतलम में उल्लेख किया गया है कि कर्णव ऋषि ने जब शकुंतला का भविष्य देखा तब उसके भाग्य में कठोर पतिविरह लिखा हुआ देखा। इस दुर्भाग्य को दूर करने के लिए कर्णव ऋषि सोम तीर्थ की यात्रा पर गए, जिसके नाम पर से इस भूमि को नाम मिला भारत। वैसे भारत की मां शकुंतला के दुर्भाग्य को दूर करने की यात्रा का संदर्भ लिया जाए तो सोमनाथ का अस्तित्व भारत कंठ के नाम से पहले होने की संभावना है। पुराण और भारतीय साहित्य में लिखी गई अनेक कहानियों को नए नजरिए से देखने की जरूरत है, जिससे भारतीय ज्ञान को समझने का आधार मिले। भालका तीर्थ। वेरावल से प्रभास पाटन के रास्ते श्री सोमनाथ में आने वाला भालका तीर्थ भगवान श्री कृष्ण के अंतिम समय की साक्षी के रूप में बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यादवा स्थली के बाद द्वारका से भगवान श्री कृष्ण इस स्थल पर आकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे दाहिनी जांग पे बाया पैर रख के योग समाधि में सो रहे थे। तब गलती से मृग समझ के जरा नामक पारघी ने तीर मारकर श्री कृष्णा के पांव में छेद कर दिया। इसके बाद मृग को पकड़ने के लिए वो जल्दी से सामने आया, लेकिन मृग के बदले उसको योगास्त पीताम्बरधारी पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के दर्शन हुए। उसके अपराध के लिए उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। भगवान कृष्ण ने उसे माफ कर दिया और उसे आश्वस्त किया और कहा कि यह सब कुछ उनकी ही इच्छा से हुआ है। स्कंद पुराण अध्याय 353 में भगवान श्री कृष्ण जरा पारघी से कहते हैं, यह स्थान भालका तीर्थ के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि मुझे यहां भाले से छेद किया गया था। भालका तीर्थ यानी वो स्थल जहां एक कुंड भी है और एक पीपल का वृक्ष भी है। योगेश्वर श्री कृष्ण की अंतिम यादों को संजोते हुए आज भी ये तीर्थ स्थल वैसा ही है जैसा श्री कृष्ण अपने काल में छोड़ गए थे। त्रिवेणी तीर्थ। यह दिव्य तीर्थ श्री सोमनाथ देहोत्सर्ग मार्ग पर स्थित है। यह तीर्थ अत्यंत पवित्र, प्राचीन और पुराण प्रसिद्ध है, जहां कपिला, हिरण्या और सरस्वती नदियों का समुद्र से मिलन होता है। वही ये त्रिवेणी तीर्थ, यहाँ पितृ श्राद्ध का बहुत महत्व है। जितना गंगा और यमुना का संगम स्थान पर स्नान करना महत्वपूर्ण माना गया है, उतना ही महत्व यहाँ पर स्नान करना माना गया। भारत के अपने पुत्र राजपुरुष प्रधानमंत्री श्री मोरारजी भाई देसाई की अस्थियों को यहाँ दिनांक 19 अप्रैल 1995 के दिन
उनके सुपुत्र कांतिभाई देसाई के हाथों विसर्जित किया गया था। तब से इस घाट का नाम मोरारजी देसाई घाट दिया गया है। देहोत्सर्ग यानी कि श्री कृष्णा निज धाम प्रस्थान तीर्थ। त्रिवेणी संगम के पास नदी के किनारे यह स्थान है। बालका तीर्थ में महान योगेश्वर श्री कृष्णा समाधि में लीन हुए और स्वधाम पधारे। उसके बाद उनके पार्थिव देह की अंतिम क्रिया हिरण्या नदी के किनारे की गई थी। महाभारत मौसल पर्व अनुसार श्री कृष्णा के सखा अर्जुन ने भगवान कृष्ण और बलराम जी के पार्थिव देह को जंगल से निकाला और उनका अंतिम संस्कार किया। इसलिए देहोत्सर्ग नाम का यह स्थान अति दिव्य तीर्थ स्थान बन गया। उसे निजधाम प्रस्थान तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे योगेश्वर श्री कृष्ण के चरण की प्रतिष्ठा भी की गई है। तीर्थयात्री अपने मृत प्रियजनों की आत्मा की शांति के लिए इस पीपल के वृक्ष पर पानी डालते हैं और भगवान कृष्ण के चरणों के दर्शन करते हैं। गीता मंदिर। गीता के गायक योगेश्वर श्री कृष्ण के दिव्य संदेश का स्मरण करवाने के हेतु से इस मंदिर का निर्माण यानी कि गीता मंदिर का निर्माण संगमरमर के 18 स्तंभ से किया गया। प्रत्येक स्तंभ पर गीता के अध्याय उत्कीर्ण है। यह मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की संगमरमर की मनोहर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा दिनांक 20 अप्रैल 1963 के दिन श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष महाराजा जाम दिग्विजय सिंह जी के हाथों से संपन्न हुई। इस मंदिर के पास ही लक्ष्मी नारायण का भी मंदिर है। लक्ष्मी नारायण मंदिर। हिरण्य नदी के तट पर गीता मंदिर के ठीक पास ही में विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का यह एक आधुनिक मंदिर है। जैसे बद्रीनाथ में बसे भगवान विष्णु की लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है, वैसे ही इस मंदिर में भी लक्ष्मी नारायण की एक मूर्ति स्थापित की गई है। पुराण में दर्शाए गए प्रसंग की कहानी इस मंदिर की शोभा बढ़ाते हैं। श्री सोमनाथ ट्रस्ट ने इस स्थान के प्राचीन उद्देश्य पर एक नया मंदिर बनवाया है। 3 मई 1976 के दिन श्री लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की प्रतिमा की प्रतिष्ठा विधि श्री सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री जयसुखलाल हाथी के हाथ से की गई थी। बलराम जी की गुफा। बलदेव गुफा या दाऊजी गुफा। लक्ष्मी नारायण मंदिर और देहोत्सर्ग के बीच में बलराम जी की गुफा है। स्कंद पुराण प्रभास खंड उसके 186वें अध्याय में नाग स्थान का वर्णन कुछ इस प्रकार किया गया है। बालका तीर्थ में बल से कृष्ण का मृत्यु हो गया। इस बात को सुनकर बलभद्र प्रभास में आए। उस क्षेत्र को महान प्रभाव वाला, सर्व अर्थों की सिद्धि देने वाला जानकर यादवों के विनाश से वैराग्य को प्राप्त होने वाले शरीर का त्याग वहां पे बलभद्र जी ने किया। शेषनाग के रूप से शरीर में से निकल करके गमन करते वो परम त्रिवेणी संगम तीर्थ में पहुंच करके पाताल लोक का द्वार देखकर उसमें प्रवेश कर वे अनंत नागराज के पास गए। नाग रूप में उन्होंने इस स्थान में प्रवेश किया, इसलिए इस स्थान को नाग स्थान कहा जाता है। जिस गुफा में उन्होंने देह त्याग करके शेषनाग स्वरूप में सागर में प्रवेश किया, उस गुफा को दाऊजी की गुफा कहा जाता है। बाण स्तंभ। विश्व में आश्चर्य कर देने वाला ये विशिष्ट स्थल सोमनाथ महादेव के मंदिर परिसर में दक्षिण दिशा में समंदर के किनारे है। यह स्तंभ पर पृथ्वी के गोले को भेदता हुआ तीर विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया है और नीचे लिखा है, असम से दक्षिणी ध्रुव तक निर्बाध प्रकाश मार्ग। इसका अर्थ यह है कि इस बिंदु से समुद्र का अंत आने तक दक्षिण ध्रुव तक प्रकाश मार्ग में यानी कि सीधी रेखा में एक भी बाधा या अवरोध नहीं आता है। ऐतिहासिक संदर्भ इस बाण स्तंभ को लगभग 600 ईस्वी का माना जाता है।
जबकि कुछ विद्वान उसे 1500 साल पहले का बताते हैं। इस बिंदु से दक्षिणी ध्रुव के लिए एक अबाधित प्रकाश मार्ग है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि यह अनुमान लगाना आवश्यक है कि भारतीय सदियों से दक्षिण ध्रुव की यात्रा कर रहे होंगे। महारानी अहिल्याबाई निर्मित मंदिर अहलेश्वर महादेव। कई विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण के बाद सोमनाथ की खंडित स्थिति को देखकर अहिल्याबाई होलकर ने सोमनाथ मंदिर का निर्माण करने के लिए ईस्वी सन 1782 में अपने प्रधान श्री कृष्णजी बाजी को प्रभास पाटन रवाना किया। उन्होंने वहां जाके देखा कि पुराना मंदिर अति खंडित था, देव की प्रतिष्ठा या और भी कुछ सही नहीं था, इसलिए उससे कुछ दूर संकलेश्वर महादेव का मंदिर था, वहां सोमनाथ के नए मंदिर का निर्माण कार्य 1783 में प्रारंभ किया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा ईस्वी सन 1788 में हुई, जिसमें भूगर्भ में सोमनाथ का शिवलिंग और ऊपर अहल्येश्वर महादेव की स्थापना करवाई। और ऐसा पुण्य कार्य करके महारानी अहल्याबाई ने सोमनाथ की पूजा करने की प्राचीन परंपरा को यथावत रखा। बाण गंगा। अपने जीवन की अंतिम लीला के वक्त यादवा स्थली के बाद कृष्ण भालका तीर्थ में जब सो रहे थे, तब समुद्र किनारे भीड़ बंजन के पास बाणेश्वर नामक एक शिवलिंग है, जहां से पारगी नामक व्यक्ति ने बाण मारा था। यह वही स्थल है जो बाण गंगा के नाम से जाना जाता है। वहीं शशिभूषण महादेव का शिवालय है और स्कंद पुराण के अनुसार माता पार्वती की तपस्या के स्थल में से एक गौरीकुंड भी यहां मौजूद है। महाप्रभु जी की बैठक। वैष्णव संप्रदाय और पुष्टि मार्ग के स्थापक श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने समग्र भारत में परिभ्रमण कर 84 स्थानों पर भागवत कथा कहकर पुष्टि मार्ग का प्रचार किया, जिसको महाप्रभु जी की बैठक के नाम से जाना गया। यह स्थान पर महाप्रभु जी की 84 बैठक बनी, उसमें से 65वीं बैठक यहाँ मौजूद है। सोमनाथ के सूर्य मंदिर। त्रिवेणी तट पर उत्तर दिशा में स्थित सूर्य मंदिर अति प्राचीन है, जिसमें एक वाव भी है जो कई बार हुमलाखोरों द्वारा खंडित हुआ। ऐसे मंदिर का नवनिर्माण किया गया, जहां से पुरातन अवशेष भी प्राप्त हुए थे, जो साबित करता है कि सोमनाथ में सूर्य देव के उपासक भी आके बसे थे। वेरावल दरवाजा। इसको सोमनाथ का मुख्य द्वार माना गया है। वेरावल की ओर से आते हुए भक्तजन प्रभास पाटन में प्रवेश करने के लिए यह दरवाजे का उपयोग करते थे। कई सदियों पुरानी प्राचीन बांधनी और ऐतिहासिक महत्व रखने वाला ये दरवाजा विशेष है। दैत्य सुदन मंदिर। यह प्राचीन मंदिर में यीशु की 7वीं सदी की भगवान विष्णु की प्रतिमा है। सोमनाथ के एक ब्राह्मण को स्वप्न में यह प्रतिमा के दर्शन हुए थे। उस स्थल पर जमीन की खुदाई करके प्रतिमा को निकाला गया। यह मंदिर सोमनाथ मंदिर के पास में उत्तर की ओर चंद्रप्रभा स्वामी जैन मंदिर के नजदीक है। रुद्रेश्वर मंदिर। 11वीं या 13वीं सदी में निर्माण किया गया यह मंदिर त्रिवेणी घाट की ओर जाते रास्ते के दाईं ओर स्थित है। रुद्र का अर्थ भगवान शिव का एक स्वरूप होता है। यह स्थल पशुपत संप्रदाय का महत्व का केंद्र रहा है। परशुराम मंदिर। विष्णु भगवान के छठे अवतार रहे भगवान परशुराम का मंदिर त्रिवेणी संगम के रास्ते पर आता है। महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र भगवान परशुराम का यह पुरातन मंदिर में दो जलकुंड भी है। ऐसा माना जाता है कि क्षत्रियों के वध के बाद लगे पाप को नष्ट करने के लिए परशुराम ने यहीं सोमनाथ महादेव की तपस्या की थी।
भद्रकाली मंदिर और शिलालेख। सोमनाथ से पाटन की ओर नगर में प्रवेशते हुए भद्रकाली मंदिर आता है। प्रभास क्षेत्र में अनेक शक्ति स्थानों में भद्रकाली मंदिर नोंदपात्र है। शिलालेख यह मंदिर की विशेषता है, जिसको भद्रकाली शिलालेख या बृहस्पति शिलालेख कहा जाता है। ऐतिहासिक और पुरातत्वीय नजरिए से यह लेख का खास महत्व है। જેમના પતિ દારૂડિયા છે એ સ્ત્રીઓ જ જાણે છે કે ઘરો એકવાર વ્યવસ્થિત અને શાંતિદાયક હતા, ત્યાં આ અનિષ્ટ કેવી પાયમાલી કરી રહ્યું છે। રૈયત દારૂ તાડી છોડી દેશે તો મહેસૂલનું શું થશે, એમ જે રાજ્યને થાય છે તે રાજ્યની મને દયા આવે છે। જી હા, દારૂ અંગેના ગુનામાં 10 વર્ષની કેદ અને રૂપિયા 5 લાખનો દંડ ભરવો પડશે। લઠ્ઠાના સેવનથી મૃત્યુ થાય તો જવાબદાર તમામને મૃત્યુદંડની સજા થશે। નશામુક્ત ગુજરાત, પ્રગતિશીલ ગુજરાત। નેટ જો આજે કંઈ ના કર્યું ને તો કાલે વધારે ઉછળશે, તો એટલીસ્ટ એના માટે તો કંઈક કરવું જ જોઈએ। શારદા પીઠ ઓર કામનાથ મહાદેવ। આદિ શંકરાચાર્યને યહાં લંબે સમય તક તપસ્યા કી થી। જગતગુરુ આદ્ય શંકરાચાર્ય મહારાજને तत्वज्ञान के क्षेत्र में दिग्विजय अद्वैत मठ की स्थापना कर सनातन धर्म की सुरक्षा की थी। उन्होंने अपने हेतु की पूर्ति के लिए चारों दिशा में 4 मठ का नवनिर्माण करवाया। उत्तर में ज्योतिर्मठ यानी कि बद्रीनाथ, पूर्व में गोवर्धन पीठ यानी कि जगन्नाथपुरी, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ यानी कि मैसूर और पश्चिम में शारदा पीठ द्वारिका की स्थापना की है। यह 4 मठ के अलावा आद्व शंकराचार्य जी ने प्रभास त्रिवेणी संगम के किनारे शारदा मठ की भी स्थापना की थी। आदि शंकराचार्य के 4 आश्रम में से पश्चिम का आश्रम शारदा पीठ के साथ यह मंदिर जुड़ा हुआ है। जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी ने 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की स्थापना की है, ऐसा प्रमाण मिला है। श्री कामनाथ महादेव जी जो हैं, इनकी जो यहाँ पर प्रतिष्ठा है, वो कामदेव को भस्म करने के बाद उनकी पत्नी रति ने यहाँ पर तपस्या करके कामनाथ महादेव को यहाँ पर उनके द्वारा स्थापित हुए कामनाथ महादेव उनको वरदान दिया, इसकी कथा स्कंद पुराण में भी आती है। और यहाँ पर बहुत श्रद्धालु गण आते हैं और अपनी मनोकामना यहाँ पर रखते हैं और उनकी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। भगवान नृसिंह भगवान का भी मंदिर है। पूर्व शंकराचार्य स्वामी श्री अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ जी का समाधि स्थल है। आद्य गुरु शंकराचार्य जी का मंदिर है। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन है और शंकराचार्य जी की गुफा भी है। शशि भूषण महादेव। वेरावल से देवपाटन जाते हुए बाईं ओर शशि भूषण महादेव का मंदिर और भीड़ भंजन गणपति का मंदिर है, जिसको लोग भीड़िया नाम से जानते हैं। इस स्थान पर चंद्र ने शाप निवारण के लिए यज्ञ किया था। इसी स्थान पर जरा नामक पारगी ने श्री कृष्ण को तीर से मार दिया था, इसीलिए यह स्थान को बाणगंगा भी कहते हैं। भाव बृहस्पति ने सोमनाथ मंदिर का निर्माण करते समय यह मंदिर भी बनवाया था। परधर्मी के आक्रमण के वक्त जब सोमनाथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना में विघ्न आता था, तब वह इस कार्य इसी मंदिर में संपन्न करते थे। रोटलेश्वर महादेव। भीड़िया परिसर में रोटलेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है, जहां महादेव जी को बाजरे की रोटी और दाल प्रसाद में अर्पण करने का रिवाज है। इस महादेव मंदिर का नाम ज्वर दग्धेश्वर महादेव भी है। जिस भाविकों को बुखार होता है
वो महादेव जी की मन्नत मानते हुए यहाँ पर रोटी का प्रसाद अर्पण करते हैं, इसलिए लोगों ने इस मंदिर का नाम रोटलेश्वर महादेव रखा है। जैन मंदिर। प्रभास पाटन स्थित जिनालय जैन देवालय का विशेष महत्व है। जैन के 24वें तीर्थंकर में से 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभु स्वामी का जिनालय यहाँ स्थित है। कहते हैं कि यहाँ चंद्रप्रभु विराजमान है, इसलिए इस भूमि को चंद्रप्रभास तीर्थ भी कहा गया है। जैन धर्म में इसे इसी नाम से जाना जाता है। समस्त भारतवर्ष में पावनकारी जैन तीर्थ नगर यहाँ बसा हुआ है, जिसमें प्रभास पाटन का नाम सुवर्ण अक्षर से लिखा गया है। भगवान ऋषभदेव जी के शासन में पूरी आस्था से चंद्रप्रभु स्वामी का स्मरण हुआ था, उस पर से चंद्रप्रभास पाटन नामक नगर भरत चक्रवर्ती ने बसाया था। दैवी सहाय से श्री चंद्रप्रभु स्वामी का यहाँ स्मरण हुआ। इसी पवित्र यात्रा धाम की महाराज कुमार पाल ने भी यात्रा की थी और अष्टपदावतार मंदिर पर सुवर्ण कलश भी अर्पण किया था। यह विशाल जैन मंदिर 9 हिस्से में है। संगमरमर की कलाकृति से शोभित रंग मंडप और नृत्य मंडप, प्रवेश द्वार के ऊपर श्रृंगार चौकी और 3 शिखर हैं। यहाँ जैन ग्रंथों का भंडार है। गजेंद्र पूर्ण प्रसाद नामक यह मंदिर समग्र भारत में अनोखा है। श्री वेणेश्वर महादेव मंदिर। सोमनाथ ट्रस्ट की धर्मशाला के दरवाजे के ठीक सामने वेणेश्वर महादेव का मंदिर है। इसके साथ एक दंत कथा जुड़ी हुई है। प्रभास क्षेत्र ने अंदर आवेल श्री वेणेश्वर महादेव 5000 वर्ष पहला। प्रभास पाटन परिसर के भीतर बसा हुआ रणेश्वर मंदिर 5000 साल पुराना शिवलिंग है, जिनको पुराण में उनको वर्णेश्वर महादेव नाम से जाना जाता था। यारे इनी साथे आपड़ा हिंदुस्तान ना सज्जन सिंह ने वीरभद्र नामना बे गरासिया मरी गेला हता। एमने खबर पड़े जाईना राजा ने एक दीकरी छे एकांत में मंदिर हुआ थी जंगल ने अंदर भोईरा में था। जब मोहम्मद गजनी सोमनाथ को लूटने के लिए आया था, तब उस वक्त सज्जन सिंह और वीरभद्र सिंह नामक क्षत्रियो ने उनका सामना किया था। આવી બધાનત થઈ અહીંયા 100-150 માણસ હથિયારબંધ લઈ બે ગળાસિયા આવે છે। રાજકુરીને એમ કે કોઈ યાત્રાળુ હશે દર્શન કરી અને પાછા ફરી જશે, પુરુષમાં જોતા નહીં તેમજ પુરુષ નામનો અનાજ જમતા નહીં, એટલે રાજકુરી મંદિરના દરવાજા અંદરથી બંધ કરી દે। ત્યારે જે બે ગળાસિયા હતા એમાંથી એક વીરભદ્ર નામના ગળાસિયાને યે બાત દોનો કો માલૂમ થી કે રાજકુમારી જંગલ કે રાસ્તે સે ગુફામાં શિવલિંગ કી પૂજા કરને આતી હૈ। अगर राजकुमारी गजनी के हाथ आ गई तो राजा परास्त हो सकता था। उस वक्त राजकुमारी ने मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया, क्योंकि वह कोई पुरुष को देखना नहीं चाहती थी। अभी इतना हनन उबेर था साम सामी तलवार थी बे गरासिया मंदिर ने बारना भाग में कपाई मरे। त्यारे अंदर राजकुमारी ने खबर पड़े कि आ दुश्मन नो लश्कर छे, एटले भगवान आगर प्रार्थना करे हे प्रभु मैं तुम्हारी खरा दिल थी पूजा सेवा करी हुई। वीरभद्र सिंह बोला कि किसी राजकुमारी को दुश्मन की छत्रछाया में छोड़ना योग्य नहीं है। सज्जन सिंह ने कहा आपको जाना है तो जाओ, हम राजकुमारी को लेकर आएंगे। दोनों की आपस में इस बारे में लड़ाई हो गई और मंदिर के दरवाजे पर ही मौत हो गई। એટલે જે મોહમ્મદ ગિદનીના માણસો હતા એમને ખબર પડે કે બે ગરાસિયા કપાઈ મર્યા, હવે આપણે આ લોકોને લઈ જવામાં શું વાંધો છે। એ લોકોએ મંદિરના દરવાજા તોડી નાખ્યા, અંદર જઈ શોધખોળ એ જ રાજકુમારીના વાળ દેખાય છે, એટલે એને એમ થયું ચોટલો પકડી વાળ પકડી ખેંચી કાઢ્યા તો હરોજ માટે અંદર જતી હશે નીકળતી હશે। જેવા મુસલમાન લોકો ચોટલા દુશ્મનો કી સેના સે બચને કે લિયે રાજકુમારીને શિવજી કો પ્રાર્થના કી। ઉસ વખત ચમત્કાર હુઆ, શિવ કે લિંગ કે 2 ટુકડે હો ગયે, સેના મંદિર તક પહોંચ ગઈ, સૈનિકો ને શિવલિંગ પર હમલા કિયા, શિવલિંગ કે અંદર સે ઝહરયુક્ત ભવરે બહાર નિકલે ઓર સેના પર ટૂટ પડે। इस तरह सेना भाग गई और शिवलिंग पर दरार सदा ही रह गई। इसके बाद गजनी शिव के पास आया और माफी मांगी। जारे मानस ने साफ कही रहे त्यारे 3 कलाक ब्रह्मांड में जीव रही, आज जे सेकंडे भमरो पड़ो ए सेकंडे नु मृत्यु थाय,
આમ નાસ્તે વાગતે મોહમ્મદ ગિદનીની છાવણીમાં બમરા પહોંચે ત્યાં કોલાહલ મચાવવા માંડે ત્યારે મોહમ્મદ ગિદનીને ખબર પડે કે આ કોઈ ભગવાનનો કોપ થયો છે એટલે મોઢામાં બૂટ નાખી અહીંયા આવી ભગવાન આગળ માફી માગે છે કે હે પ્રભુ મેં ભૂલ નથી કરી મારા માણસોએ ભૂલ કરી ફરીથી આવી ભૂલ નહીં થાય બૌદ્ધ ગુફા ધોલેશ્વર મહાદેવ કે ઉત્તર પશ્ચિમ કી ઓર હાઈવે પર સ્થિત યહ ગુફા પ્રવાસીઓ કો આકર્ષિત કરતી હૈ જો ઇસ બાત કા ભી સાક્ષી હૈ કે ઇસ ક્ષેત્ર મેં બૌદ્ધ ધર્મ કા પ્રચાર ભી હુઆ થા મોક્ષ પીપલ યહ તીર્થ પૂર્વજો કે મોક્ષ કે લીએ ભી જાના જાતા હૈ મહાભારત કે ભીષણ યુદ્ધ બાદ પાંડવો કો અપને પિતૃ ઓર સંબંધીઓ કે મારે જાને કા પાપ લગા થા उसे नष्ट करने के लिए इस स्थान पर तर्पण विधि की गई थी। आज सरस्वती नाम ने नदी सूर्य यह सरस्वती नदी सूर्य के सामने होकर गुजरती है। पांडवों को गोत्र हत्या का पाप लगा था, इस पाप से मुक्त होने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया कि प्राची जाकर स्नान करो और ब्रह्म हत्या और गोत्र हत्या के पाप को मुक्ति पाओ। पांडव ने यहाँ आकर पीपल का पौधा लगाया अपने तरफ से और पूर्णिया से समर्पण कर उसे बड़ा किया। स्कंद पुराण के अनुसार इस पीपल के पत्ते उस समय से सोने के हुआ कर इस पीपल के नीचे बैठकर पांडवों ने कौरवों की मोक्ष की प्रार्थना की थी। सौम्य सरोवर जो प्रभास पाटन से उत्तर दिशा की ओर स्थित है करीब 78 एकड़ जमीन पर वर्तुलाकार फैला हुआ यह सरोवर देखने लायक है। माना जा रहा है कि तालाब का निचला हिस्सा चूना यानी कि कैल्शियम सल्फेट से बनाया गया है ताकि जब भूगर्भ का खारा पानी ऊपर आए तो वो मीठे पानी को दूषित न कर पाए। भारत के 6 दर्शन में से 2 दर्शन का उत्पत्ति स्थान सोमनाथ। संस्कृत के जाने माने डॉक्टर वसंत परिक के अनुसार उपर्युक्त 6 दर्शनों में से 2 दर्शन न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम और महर्षि कणाद सोमनाथ में थे जिसका उल्लेख वायु पुराण में किया गया है। तदाहम संभविष्यामि सोम शर्मा द्विजोत्तमः प्रभास तीर्थमा साध्य योगात्मा लोक विश्रुतिः अत्रापि ममते पुत्राः भविष्यन्ति तपोधनाः अक्षपादः कणादः च उल्लकीवत्स एव च। अक्षपाद यानी गौतम जिसने न्याय दर्शन दिया और कर्णाद जिसने वैशेषिक दर्शन दिया यह दोनों ने प्रभास तीर्थ में ज्ञान प्राप्त किया था। भारतीय तत्व ज्ञान में प्रभास तीर्थ यानी सोमनाथ का बड़ा योगदान रहा है। सभी संप्रदायों का आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र सोमनाथ। भारत में अनेक संप्रदाय का पालन होता है और सोमनाथ में हर कोई संप्रदाय का केंद्र मिलता है जिसमें पाशुपत शैव संप्रदाय, लकुलिश शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, सूर्य संप्रदाय, जैन बौद्ध सोम उपासना और गणपति उपासना केंद्र भी है। इसके अलावा मुस्लिम इबादत खाना और मस्जिद भी है। संस्कृतियों जैसे कि रोमन मेसोपोटामिया चीन इत्यादि के साथ व्यापार के सबूत मिले हैं। इतिहासकार रत्नमणि राव जोटे के अनुसार वेरावल शब्द वेला कुल पर से मिला है जिसका अर्थ बंदर होता है। इस पर से समझा जा सकता है कि प्राचीन काल में यह बंदर वेला कुल के नाम से प्रसिद्ध होगा जहां से समुद्री मार्ग से व्यापार होता होगा। अपना राष्ट्रना सोमनाथ मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है। पिछले 1000 वर्ष में मंदिर विधर्मों और विकृति मानस के शत्रु के वजह से नुकसानग्रस्त हुआ है, परंतु भाविकों की आस्था की वजह से मंदिर फिर से निर्माण हुआ। विदेशियों अने विधर्मियों ने विकृतता ने कारणे खूब नुकसान पाम्यू छे। सोमनाथ मंदिर के निर्माण हेतु ट्रस्ट में होकर जिसने सेवा दी, ट्रस्ट के अध्यक्ष पद पर सेवा की, उस समय 5 लाख रुपए की राशि से दान किया
वो जामनगर के जाम साहब थे और सौराष्ट्र राज्य के राज्य प्रमुख दिग्विजय सिंह जी की स्मृति में यह प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया है। यह इस बात का संकेत देता है कि धर्म के हेतु राजवी परिवार ने बहुत सेवा की। दिग्विजय सिंह जी ने स्मृति में आ प्रवेश द्वार जे करवामां आव्यु छे ए एक बात नो संकेत आपे छे के आपड़ा अनेक राजाओए अनेक मुश्किली में धर्म ने माटे पोताथी शक्य एटली सेवा करी छे। बार बार आक्रमण से धूल में पड़े सोमनाथ मंदिर का नवनिर्माण हुआ। चंद्र द्वारा बनाया गया सुवर्ण मंदिर, रावण द्वारा बनाया गया चांदी मंदिर, कृष्ण द्वारा बनाया गया काष्ट मंदिर, पहली शताब्दी में वल्लभी राजाओं ने बनवाया गया लकड़ी का मंदिर, आठवीं सदी में गुर्जर प्रतिहार द्वारा नवनिर्मित पत्थर का मंदिर, भीमदेव सोलंकी द्वारा बनाया गया मंदिर, सोलंकी महाराज कुमारपाल द्वारा बनवाया गया मंदिर साल 1139, भीमदेव दूसरे द्वारा नवनिर्माण मेघनाथ मंडप वाला मंदिर साल 1216, गुजरात के राजवी सारंगदेव वाघेला की सहाय से पाशुपत आचार्य त्रिपुरांतक द्वारा अलंकरण, चुड़ासमा राजा महिपाल द्वारा पुनर्निर्माण साल 1308, ध्वस्त मंदिर का शिव भक्त द्वारा पुनर्निर्माण साल 1400, 1560 में शिव भक्त द्वारा पुनर्निर्माण, 1786-88 में महारानी अहल्याबाई होलकर द्वारा नए मंदिर का निर्माण। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मैंने वो मंदिर बहुत करीब से देखा है। जब मैं छोटा था तब हम वहाँ खेलने के लिए जाते थे। समुद्र सपाटी से ऊपर दिखने वाला मंदिर उस समय समुद्र के नजदीक था और छोटी सपाटी पर खड़ा था। बालको बता कुदा कुद करता है, बहुत जूनी स्थिति में जोयेली है। समुद्र किनारे, समुद्र ना किनारे अत्यारे जे ऊंचू मंदिर लागे छे एटलू बधुं ए वक्ते थोड़ुंक नीचाय लागतुं हतुं। અને સમુદ્રની બહુ નજીક હતું, સમુદ્રનું પાણી છે। સમુદ્ર કા પાણી સોમનાથ કે ભીતર આતા થા। યહ પ્રાચીન મંદિર કા પુનર્નિર્માણ કિયા ગયા જો વલ્લભભાઈ પટેલ કી પ્રતિજ્ઞા સે સાકાર હુઆ। ઉસ સમય મે બહુત સારી રાશિ દાન કે રૂપ મે મિલી થી, સરકારના સહકારથી, લોકોના સહકારથી, અને એ બધા ઘણી બધા દાન પણ આવેલા એ સમયમાં, અને એનાથી બંધાયું એટલે આ મંદિર લગભગ ગર્ભગૃહ એના ઉપરનું શિખર અને ગર્ભગૃહ સભા મંડપ ઓર આગે કા મંદિર કરીબ 25 લાખ રૂપિયો કી રાશિ સે નિર્માણ કિયે ગયે। નૃત્ય મંડપ કા નિર્માણ 49 લાખ રૂપિયો કી રાશિ સે હુઆ ઓર કુલ મિલાકર 75 લાખ રૂપિયે સે સોમનાથ મંદિર કા નિર્માણ હુઆ। આજ કે દિન મે કરોડો રૂપિયે સે ન શરૂ હોને વાલા મંદિર ઉસ સમય લાખો રૂપિયો કી રાશિ સે નવ નિર્માણ હુઆ और समग्र मंदिर 3 चरणों में निर्माण हुआ था। 75 लाख में बंधायेलो तो ये वस्तु आपने ध्यान पात्र गणाय। अने ए बधे आखू मंदिर बंधाता मैं जोयो छे, पायानो अने एना उपरनो 3 चरण में बंधायेलो। पहला प्लिंथ लेवल सुधी बंधायो, पछी गर्भगृह अने शिखरनो भाग अने सभा मंडप बंधायो, अने ए पछीथी नृत्य मंडप, एम 3 चरण में बंधायेलो छे। 15 मई 1951 विक्रम संवत 2007 के दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी के अवसर पर शुक्रवार को सुबह 9:46 को देश के राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी के हाथों शिवलिंग के रिंग को हटाकर लिंग स्थापित किया गया। वैसे तो सोमनाथ ट्रस्ट एक धार्मिक ट्रस्ट है, लेकिन पिछले 10 साल में इस ट्रस्ट ने मानवता के सेवा कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
चाहे दिव्यांगजनों की सेवा का कार्य हो या साइक्लोन असरग्रस्त लोगों का पुनरुत्थान कार्य, कोरोना प्रभावित लोगों की सारवार हो या किसी भी व्यक्ति की मेडिकल जरूरियात, फिजियोथेरेपी हो या दंत चिकित्सा, हर क्षेत्र में सोमनाथ ट्रस्ट मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। और इन सभी सेवा कार्यों में हमारे सोमनाथ महादेव के भक्तों का बड़ा अहम योगदान रहा है। सरकार को इस मंदिर की सुरक्षा हेतु उसे जेड कैटेगरी में रखना पड़ा और उसी कारण यात्रियों को थोड़ी असुविधा जरूर हो रही हो, पर सुरक्षा के मुद्दे पर कोई समाधान नहीं हो सकता। स्वच्छता के मुद्दे पर पूरे भारत में स्वच्छ मंदिरों में जिन मंदिरों की गिनती हो, ऐसे चुनिंदा मंदिरों में से एक सोमनाथ मंदिर है। इसके उपरांत डिजिटल इंडिया के अंतर्गत यही एक ऐसा मंदिर है जहां आरती और दर्शन की सुविधा अनेक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई गई। देवों के देव महादेव गिनते हैं, उसकी भक्ति के लिए जो भी सुविधा हमें देनी चाहिए वह देने के लिए हमारा सोमनाथ ट्रस्ट आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की अध्यक्षता में और माननीय अमित भाई शाह के कुशल मार्गदर्शन में काम कर रहा है और आगे भी इसी लगनी से हम काम करते रहने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वामी विवेकानंद ने सोमनाथ मंदिर के बारे में कहा है, सम ऑफ दिस ओल्ड टेम्पल्स ऑफ सदर्न इंडिया एंड दोज लाइक सोमनाथ ऑफ गुजरात विल टीच यू वॉल्यूम्स ऑफ विजडम, विल गिव यू अ कीनर इनसाइट इनटू द हिस्ट्री ऑफ द रेस देन एनी बुक्स कैन गिव। यानी सोमनाथ मंदिर हमको हजारों पुस्तकों से न मिल सके उतना ज्ञान देने का सक्षम है। सोमनाथ मंदिर हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। सोमनाथ हमारी धरोहर है। सोमनाथ हमारा गौरव है। भारत के पुनर्निर्माण का प्रतीक सोमनाथ मंदिर पहले से भी कई गुना समृद्ध बने, ऐसी शुभेच्छा है। जय सोमनाथ। दारू कैफनी बंदी એટલે લાખો લોકોને નવજીવનની બક્ષિશ છે. પ્રજા શરીરમાં એ નૈતિક તેમજ આર્થિક બળનો સંચાર